गुड मॉर्निंग। आज एक ऐसा हम टॉपिक ले रहे हैं जो साइंस का है। यदि किसी भी एग्जाम में, यदि सिलेबस में साइंस है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे जिस टाइप का हो, पर यदि सिलेबस में साइंस है तो साइंस में वो टॉपिक जरूर रहता है, ताप के पैमाने। ताप के कितने पैमाने होते हैं, उन पैमानों में से कोई वैल्यू सेल्सियस में दिया रहेगा उसको फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में दिया है तो केल्विन में कितना होगा, केल्विन में दिया है तो सेल्सियस में कितना होगा, इस प्रकार से। तो ऐसा हम इस को थोड़ा सा बताएंगे। यदि स्टार्ट से आप लास्ट तक इसको एक बार देख लेते हैं तो कभी भूलेंगे नहीं। फिर ट्रिक से समझ लीजिए, जैसा भी उसमें कन्वर्जन भी आ जाएगा, है ना। तो ताप के विभिन्न पैमानों में, तो ताप मापने वाले यंत्र को ताप मापी कहेंगे, थर्मामीटर इंग्लिश में। और किसी भी ताप मापी में दो निश्चित बिंदु होते हैं। कोई भी ताप मापी, यदि ताप मापने वाले यंत्र को ताप मापी या थर्मामीटर कहते हैं, और उसमें दो बिंदु होते हैं, एक होता है अधो बिंदु, एक होता है ऊर्ध बिंदु। यदि हम सेल्सियस पैमाने की बात करें तो जिस ताप पर पानी उबलना शुरू होता है, खौलना शुरू होता है, वो ऊर्ध बिंदु होता है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस इसका होता है। और जिस पर पानी बर्फ बन जाता है, वो ताप जो है वो अधो बिंदु होता है। तो यानी जितने भी पैमाने, चार पैमाने हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रियूमर और केल्विन, इनमें सब में दो बिंदु होंगे, अधो बिंदु और ऊर्ध बिंदु, अधो बिंदु और ऊर्ध बिंदु, ठीक है। फिर इनके बीच संबंध, तो यानी हम इसका टॉपिक ले रहे हैं ताप, ताप के विभिन्न पैमाने, ताप के विभिन्न पैमाने एवं उनमें संबंध, ठीक। तो इसके चार पैमाने हैं, चार। एक होता है सेल्सियस, दूसरा होता है फारेनहाइट, और तीसरा होता है रियूमर। आजकल इसका कम उपयोग होता है, केल्विन, ठीक है ना। सेल्सियस पैमाना, फारेनहाइट पैमाना, रियूमर पैमाना, इसको डिग्री सी से इंडिकेट करते हैं, इसको डिग्री एफ से, इसको डिग्री आर से, और इसको सिर्फ के से। ध्यान देना, एक गलती इसमें भी आप लोग कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री रियूमर होता है, लेकिन केल्विन में डिग्री केल्विन नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। इसमें हमने कहा किसी भी ताप मापी में दो निश्चित बिंदु होते हैं, एक ऊर्ध बिंदु होता है, एक अधो बिंदु, है ना। मान लीजिए यह थर्मामीटर हमने बना दिया, ठीक। ये हमने ये बताया कि इसमें दो निश्चित बिंदु होते हैं, एक होता है अधो बिंदु, क्या होता है अधो बिंदु, और एक होता है क्या ऊर्ध बिंदु। इसमें भी अधो बिंदु और ऊर्ध, अधो ऊर्ध बिंदु, अधो बिंदु और ऊर्ध बिंदु, ठीक है ना। तो इसमें आपको बता दे, इसमें अधो बिंदु 0 होता है, ऊर्ध बिंदु 100 पर होता है। इसमें 32 होता है, अधो 112, इसमें 0 और 80, और इसमें 273, और ये 373। यानी ध्यान दीजिएगा, सेल्सियस पैमाने का अधो बिंदु क्या होता है 0, ऊर्ध बिंदु होता है 100,
फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री अब अब ये सब डिग्री में रहेंगे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, ये केल्विन यानी ये कह दिया जाए सेल्सियस पैमाने का अधो बिंदु, यही ऑप्शन में दे दिया सेल्सियस पैमाने का अधो बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस और ऊर्ध्व बिंदु कितने में 100, फ़ारेनहाइट का अधो बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऊर्ध्व बिंदु 212, र्यूमर का अधो बिंदु 0 डिग्री आर और ऊर्ध्व बिंदु 80 डिग्री आर और केल्विन का 273 और 373। ठीक, एक तो यही बात क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसमें यह बता दें इसके 100 पार्ट करना पड़ता है, कितने पार्ट करेंगे 100, अब प्रत्येक पार्ट 1 डिग्री अप कहलाएगी, 100 पार्ट है, हर एक 1 डिग्री अप होगा हर पार्ट, है ना, ये आप समझने का प्रयास करिए, ये ना गिनो के 100 हैं कि नहीं है, है ना, हमने ये कहा कि यहाँ से यहाँ तक 100 भाग करेंगे, प्रत्येक भाग 1 डिग्री अप होगा, और इसमें 180 भाग करेंगे, कितने भाग 180 भाग करेंगे, 100 भाग करेंगे तो एक 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 डिग्री अप होता है, इसमें 180 भागों में बांटेंगे कितने में, और 1 डिग्री अप ये कहलाएगा, और इसमें 80 भागों में बांटेंगे कितने भागों में, 80 भागों में 1 डिग्री आर कहलाएगा, और इसको भी 100 भागों में बांटेंगे कितने भागों में 100, तो 1 केल्विन कहलाएगा, 100 भाग में बांटा गया है, इसको 80 भाग में बांटा गया है, और इसको 180 भाग में बांटा गया है, और इसमें 100 भाग में बांटा गया है, प्रत्येक भाग 1 डिग्री, बात समझ रहे हैं ना, सुनकर सुनोगे तभी समझोगे, है ना, ये भी बता दें यदि स्क्रीन शॉट लेकर के देख लोगे तो देखने में हमारी बात थोड़ी सुनाई देगी कि हमने कहा क्या है, इसलिए बताए दे रहे हैं कि सुनना पड़ेगा स्टार्ट से लास्ट तक, तब आपको हमेशा याद रहेगा। हैं, यहाँ पर हमने ये कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक 100 भाग में बांटेंगे, प्रत्येक भाग 1 डिग्री सी कहलाएगा, ये 180 भागों में बांटेंगे, प्रत्येक भाग 1 डिग्री अप कहलाएगा, इसमें इसको 80 भागों में बांटेंगे, प्रत्येक भाग 1 डिग्री आर कहलाएगा, 100 भागों में बांटेंगे, प्रत्येक भाग 1 केल्विन कहलाएगा। ठीक है ना, तो ताप के 4 पैमाने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, इसका यूज अब कम होता है, ये बात सच है, ठीक है ना, पर होते तो है ही है जब भी बना था तो ये हो गया अधो बिंदु, ये यानी आप ये समझ लीजिए, अभी आपसे ये कह दिया जाए, अभी ये कह दिया जाए कि जो सेल्सियस में 0 होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, जो सेल्सियस में 0 होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो 32, जो सेल्सियस में 0 होता है तो र्यूमर में कितना होगा 0, और जो सेल्सियस में 0 होता है वो केल्विन में कितना होगा 273, क्या समझ में आया, जो सेल्सियस में 0 वो फ़ारेनहाइट में 32, जो सेल्सियस में 0 वो र्यूमर में 0, जो सेल्सियस में 0 वो केल्विन में इतना, ठीक है ना। अब हम ये एक फार्मूला बता दें कि किसी भी यूनिट को किसी एक को दूसरे में कैसे बदलेंगे, तो उसका एक फार्मूला होता है, एक संबंध होता है, और उस संबंध से आप सबको ला सकते हैं, और वो संबंध क्या है देखिएगा, देखिए इसको सेल्सियस से लिखते हैं तो सी लिख दो, और ऊर्ध्व पॉइंट अधो बिंदु कितना 0, और जितने भाग होते हो तो ये 100, ट्रिक समझो, जिससे सेल्सियस है तो सेल्सियस और माइनस अधो बिंदु और ये पूरा भाग तो ये, और ये फ़ारेनहाइट तो या अधो बिंदु 32 और कितने भाग 180, फिर र्यूमर तो आर अधो बिंदु 0 और बटे 80, और इसमें केल्विन और ये 273 बटे कितने भाग, ये रहा, ठीक है, इसी से देखिए आगे बढ़ाते हैं। अब बताओ सी माइनस 0 कर दिया सी ए आएगा, और बताओ ये 80 ये 100 है 180 80 80, इसमें सब में किसका भाग चला जाएगा,
इसमें 20 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 20 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 20 का, इसमें भी 20 का, सब में 20 का भाग कर देते हैं। तो 20 पंचे 100, 20 नैया 180, 20 चौको 80, 20 पंचे 100। और ये घटा सी माइनस जीरो करेंगे तो क्या आएगा सी, अब 20 का भाग किए तो 5, एफ माइनस 32 बटे 20 का भाग 9, तो ये आर 20 का भाग 4, ये के माइनस 273 बटे 5। ये ऐसा फार्मूला है, ये ऐसा फार्मूला है कि किसी आप को आप किसी दूसरे में बदल सकते हो। यदि आपको सेल्सियस में मान दिया है तो फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो, किसी में भी बदल सकते हो, ठीक है ना। ये ऐसा फार्मूला है कि एक मान को दूसरे मान में बदल सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को रूमर में, रूमर को केल्विन में, किसी को किसी में, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको सेल्सियस में मान दिया, फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या करिए, सी का मान रख दीजिए, एफ का मान ला दीजिए, इतने बराबर कर करके, ठीक है ना। एक ग्यारह माना क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है कि वह कौन सा ताप, किस ताप पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है, किस ताप पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है। तो आपको बता दें, यहाँ आप वह ताप एक्स ले लीजिए और यहाँ एक्स रख दीजिए, यहाँ भी एक्स रख दीजिए, एक्स का मान ला दीजिए, वो ऐसे आंसर उसका है -40 माइनस 40 ऐसा ताप है जो डिग्री सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में समान होता है। ये अक्सर विज्ञान में पूछा जाता है ना। और इस समय तो और विज्ञान होने वाले हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा, पटवारी, पता नहीं कौन कौन से, यदि साइंस का सिलेबस है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी ये क्वेश्चन है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। तो चलिए इस फार्मूला से हम क्वेश्चन एक बताते हैं। यानी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो क्या कर देंगे, देखिएगा। पहले तो एक ठो तो ये जैसे स्वस्थ मनुष्य का जो ताप होता है, मनुष्य का ताप जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और उसको फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो कितना आ जाएगा, सी का मान 37 रख दो और सी अपान 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बटे 9 में ला दीजिए तो आ जाएगा 98.6 होता है। आप लोगों को एक बात और बता दें, मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जब बुखार चढ़ती है कहते हैं बहुत बुखार है, अब मापते हैं तो कह देते हैं 101 डिग्री बुखार है, वो डिग्री जो है वो डिग्री सेल्सियस नहीं है, फ़ारेनहाइट में होता है ना। लोग जानते नहीं कि वो सेल्सियस की फ़ारेनहाइट है, वास्तव में वो फ़ारेनहाइट में होता है, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य का ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो बढ़कर 98 से 99 100 101 ये हो गया, सेल्सियस में नहीं है। सेल्सियस में हो जाएगा तो वहाँ पाप सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है, हैं, और आदमी जिंदा कैसे रहेगा, सेल्सियस पैमाने में नहीं होता वो, डॉक्टरी थर्मामीटर। एक क्वेश्चन हम बोलते हैं, मान लो स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सी होता है, इसे डिग्री एफ में ज्ञात करो। डिग्री एफ में कितना होगा ये मान लो, ये टॉप उस क्वेश्चन है, तो सी अपान 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बटे 9 कर दो, ये फार्मूला लगा दो। हमने कहा ना सी अपान 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बटे 9 बराबर आर बटे 4 बराबर के माइनस 273 बटे 5। तो ये इस आपको इतना ले लेना है, यदि इसको इसमें बदलना होता तो ये इसको ले लेते, इसको इसमें बदलना होता जो जो जिसको जिसमें बदलना हो दो को बराबर कर लो। तो यहाँ पर 37 बटे 5 एफ माइनस 32 बटे 9 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 एफ माइनस 32 पंचे 160 3 5 15 16 और ये
9 7 63, 9 3 27 36। तो ये 5f = 333 + 160 कितना आ जाएगा, 493। 5f = 493/5, ये 98.6 डिग्री एफ ये कुछ आता है, ठीक है ना। तो सेल्सियस में कितना है, 37, और वही फ़ारेनहाइट में कितना हो गया, 98.6। इसी को इसमें बदलना हो तो क्या होगा, आप बदल सकते हो। अब हम सब नहीं लगाएंगे, टिक बता दिए, है ना। इसकी बात यदि करें तो इसको C/5 = K-273/5 मान लीजिए इसको लगाते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो C = K-273 या K = C+273 हैं। ये तो आसान सा है, यदि मान लो इसको इसमें बदलना हो, इसको तो सेल्सियस को केल्विन बदलना हो तो ये फार्मूला, केल्विन को सेल्सियस में, तो ये फार्मूला डायरेक्ट और स्टेप, ठीक है ना। ये अब मान लीजिए कह दिया जाए किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होता है। एक क्वेश्चन है कि बहुत इम्पॉर्टेंट, किस ताप पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है, तो इसका आंसर है -40°C। लेकिन वो -40 पर वो आता कैसे है, है ना। तो हल के लिए हम माने लेते हैं, माना वह ताप एक्स है तो C/5 = F-32/9, तो X/5 = X-32/9, 5x = 5x - 160, तो 9x - 5x = -160, तो ये 4x = -160, तो x = -160/4, तो ये 40 आ गया, तो x = -40, ठीक है ना। यानी क्या आया, वह ताप क्या होगा, -40°C को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो -40°F आएगा, ठीक है ना। तो किस ताप पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है, तो वह ताप क्या है, -40। माना वह ताप एक्स है, तो ये फार्मूला लगा दिया, एक्स का मान दोनों जगह रख दिया। अब किसी का भी पूछा जा सकता है फ़ारेनहाइट और केल्विन समान, फ़ारेनहाइट रूमर समान, तो आप वही फार्मूला लगा के दोनों में रख दीजिए, ठीक है ना। वो फार्मूला लगाइए और तो जिस कहा जाए, जिसके लिए समान बोला जाए, दोनों में वही वैल्यू रख दीजिए, तो हल करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया, -40°C को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो -40°F आएगा, ठीक है ना। तो ये ताप के विभिन्न पैमाने और इनमें संबंध। अब यदि आप इसको समझ लिए होंगे स्टार्ट से लास्ट तक, तो कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही रहता है। यदि आप इस प्रकार से और क्वेश्चन चाहते हो कि और भी टॉपिक हमको मिल जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बीच में हम ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।